हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं पाठ आठवां, करो और जानो। इस पाठ में हमें ये बताया गया है, देखो और समझो। चित्र दिए हुए हैं, हम लोग निरीक्षण करेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे हर एक चित्र का। निरीक्षण करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये किसका चित्र है। अब देखिए पहला चित्र कौन सा है, फुगड़ी खेलो। फुगड़ी खेलते हैं ना, हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़ कर गोल गोल घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं कि फुगड़ी खेलो। उसके बाद नेक्स्ट चित्र कौन सा है, एक लड़की का है। एक लड़की क्या कर रही है, हंस रही है ना, वो हमें बोल रही है कि हंसो। फिर उसके बाद एक जो लड़की है वो नाच रही है, क्या कर रही है, नाच रही है। उसका एक पैर किधर है, ऊपर है, और एक पैर नीचे है, वो हमें क्या बोल रही है, नाचो। उसके बाजू में एक लड़का है, वो क्या बांध रहा है, पगड़ी बांध रहा है, पगड़ी पर हाथ लगाए हुए है और वो बोल रहा है कि पगड़ी बांधो। इसके बाद बाएं हाथ पर, मतलब लेफ्ट हैंड पर, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, स्किपिंग कर रहा है ना, और वो लड़का हमें क्या बोल रहा है कि रस्सी कूदो, मतलब स्किपिंग करो। उसके साइड में एक लड़का है, वो लड़के ने एक कान पर हाथ रखा है और एक हाथ लंबा कर रखा है, वो गा रहा है, तो वो हमें क्या बोल रहा है, गाओ। उसके बाजू में एक लड़का है, वो रोटी बेल रहा है, क्या कर रहा है, रोटी बेल रहा है, वो हमें क्या बोल रहा है, रोटी बेलो। थोड़ा ऊपर साइड देखो, ये लड़का झाड़ू लगा रहा है, क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, वो बोल रहा है झाड़ू लगाओ। और उसके बाद नीचे जो लड़की है वो कपड़े धो रही है, वो हमें बोल रही है कपड़े धो, मतलब हम सबको एक्सरसाइज करने चाहिए, बराबर ना, हमें घर के छोटे मोटे सारे काम करने चाहिए, उससे हमारा व्यायाम भी होता है, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, और घर का काम भी होता है। अब बच्चों इसके बाद देखो, यहाँ पे कितने चित्र है, टोटल चार चित्र है। पहले चित्र का ऑब्जर्वेशन करो, कुंभार है ना, कुंभार जो है वो क्या कर रहा है, घड़ा बना रहा है। उसके पास मिट्टी रखी हुई है और मिट्टी से वो घड़े बना रहा है। कुंभार क्या करता है, मिट्टी से घड़े बनाने का काम करता है। अभी दूसरा चित्र देखो, दूसरे चित्र में क्या लिखा है, पंसारी लिखा हुआ है ना, पंसारी का मतलब क्या होता है, जो हम ग्रोसरी का सामान लेते हैं ना उसे हम पंसारी बोलते हैं ना, दाल चावल आटा सब चीज़ें मिलती है ना,
उधर देखो वहां पे पंसारी खड़ा है, वो सामान तौल रहा है और वो एक महिला को सामान दे रहा है। तीसरा नंबर पे कौन है? फूल वाली। फूल वाली जो है वो माला बनाने का काम करती है। कौन कौन से फूल की माला बना के रखी है वो? सेवंती, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, कमल, चंपा, गुड़हल के फूल पड़े हुए हैं ना। ऊपर लिखा है मौलश्री। मौलश्री मतलब मौलश्री की माला है। फूल वाले सब फूल इकट्ठा करके माला बना रही है। अभी लास्ट पिक्चर देखो, लास्ट पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करो। कौन है वो? फल वाला। फल वाला मतलब फ्रूट सेलर। फल वाला फल बेचने का काम कर रहा है। कौन कौन से फ्रूट्स है उसके पास? देखो अंगूर लटक रहे हैं, दूसरे साइड पे केले लटक रहे हैं, फिर अनार, सेब, सीताफल, संतरा, अनानास, ये सब फल उसके पास है ना। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने कृति पर आधारित यह लेसन देखा। तो बच्चों आप भी ये कृति करो और जानो। थैंक यू।